बहुत बहुत वेलकम करूंगा फ्रेंड्स एक बार फिर आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल रिंकू शर्मा के ऊपर। और आपको याद होगा 8 नवंबर का वो दिन जब शाम को 8 बजे मोदी जी ने क्या बोला था। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और उसके बाद आपको याद होगा बजट का वो स्तर जब अरुण जेटली जी ने क्या कहा था, एक बार ये भी सुन लो। बोथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया have consistently maintained a position and have made it public repeatedly that this is not a lawful legal tender in India and therefore that protection is not available. It is operating online, that's a separate matter. There have been expert groups which have been set up how to deal with this situation whose report is now awaited, but this is not a legal tender and this is the clear position which has been set out even recently as late as the 29th of December by the government of India in its press release. So from 2013 to 2017 this has consistently been the position of both the central bank and the government. Aur ab Indian government kya karne ja rahi hai ab iske bare mein bhi thoda sa sun lo। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन को सरकार कानूनी दर्जा देने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इसे कानून के दायरे में लाकर टैक्स लगाना चाहती है। और कौन कौन सी शर्तें इस पर लागू होंगी जानने के लिए सीधा बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताए कि सरकार वर्चुअल करेंसी के लिए किस किस तरह के कानून यहां बनाने की तैयारी में है। दरअसल वर्चुअल करेंसी जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बिटकॉइन कहते हैं, बिटकॉइन के तौर पर जिसके हम लेनदेन करते हैं, उसको अभी किसी भी तरह के कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। तो बहुत संभावना है कि सरकार इसको कानूनी दर्जा दे दे। कानूनी दर्जा देने का मतलब यह होगा कि वर्चुअल करेंसी को आरबीआई एक्ट के तहत ले आया जाएगा। वर्चुअल करेंसी की लेन देन, इसके निवेश को लेकर के रिजर्व बैंक एक गाइडलाइन जारी करेगा। उसके निवेश करने पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। आप अगर वर्चुअल करेंसी या फिर बिटकॉइन के जरिए विदेशों में कोई पेमेंट करते हैं तो फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत उस पर कानून लागू होगा। और निवेश करने पर जो रिटर्न आपको पैसा आएगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात कि यहां पर आपको जो निवेश करेंगे तो आपको बिटकॉइन या फिर वर्चुअल करेंसी या कोई दूसरी करेंसी खरीदने पर आपको कठोर शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर को लेकर के। ये सारी बातें चर्चा में आई और विचार के तौर पर रखा गया। एक जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी गई, उस कमेटी की पहली बैठक में अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत थे कि इसको रेगुलेट किया जाए। हालांकि कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि इसको रेगुलेट करने या फिर समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। हालांकि पाबंदी लगने की संभावना काफी कम है, लेकिन माना जा रहा है कि 15 से 20 मई तक कमेटी अपनी अंतिम सिफारिश कर देगी और उसके बाद वित्त मंत्रालय अंतिम फैसला लेगा। गवर्नर ने कभी नहीं बोला कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं या इसको हम इलीगल करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो मार्केट का जो ह्यूमर है उसने टाइम टू टाइम बहुत कुछ बोला और फिर ऐसे कुछ अपडेट्स अब आपके सामने आ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ मीन्स अगर, इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 1% नेगेटिव चांसेस भी होने चाहिए, 99.9% चांसेस जो है वो पॉजिटिव हैं। और अगर ऐसा हुआ तब तो सबके लिए बैड लक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बूम आने वाला है मार्केट में। तो रेडी रहो फ्रेंड्स इस बूम के लिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू बिटकॉइंस।